नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं न्यू लोकेशन पे जो कि है महर रिट्रीट। तो आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने एंट्री ले ली है और अभी हम कार पार्क करके अभी जाते हैं टिकट काउंटर पे, वहाँ टिकट लेते हैं। मिलते हैं आपसे फिर। फ्रेंड्स टिकट चार्जेस 800 रुपीस पर पर्सन थे। जनता माफ नहीं करेगी। और यहाँ सेफ्टी मेजर्स, डायरेक्शंस सब कुछ लिखा हुआ है। और एंट्री के लिए ये बैंड्स दिए जाते हैं। और एंट्री हमने ले ली है अभी। एंट्री पॉइंट पे ही इन्होंने पूरा मैप, पूरा महर रिट्रीट का मैप शो करा है ताकि हम कुछ भी मिस ना कर पाएँ। और देखो डायरेक्शंस लिखी हैं सारी चीज़ें भी। तो फर्स्ट जो हम एक्सप्लोर करने चाह रहे थे वो है कोंकण कॉर्नर। कोंकण कॉर्नर में इन्होंने अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए हुए हैं, आम के, चीकू, बनाना और भी बहुत सारी वैरायटीज थी। और यहाँ फिर ऐसा लग रहा था कि हम नेचर के कितने ज़्यादा करीब। देखो यहाँ मैं चीकू तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ बट कच्चा है तो मैंने तोड़ा। यहाँ का व्यू फ्रेंड्स ऐसा है कि मन करता है बस यहाँ पे आप आराम से बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हो। यहाँ सामने देखिए सेम ड्रेस में आ रही हैं लड़कियाँ, उसका इनकी रील्स या शॉर्ट्स वीडियो बनने जा रही है। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं अच्छा है, एंजॉय करना चाहिए। और सबसे पहले अब जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने पे, पूजा करने में कुछ भी काटे नहीं आए थे, जल्दी पहुंच गए थे। ब्रेकफास्ट माइंड करने के बाद जो हमने एक्सप्लोर करा वो था ऑब्जर्वेशन टावर जो कि काफ़ी हाइट पे था, थर्ड फ्लोर पे जाके था। और यहाँ से आप देखो बोर्ड में देख सकते हो मतोबा लेक, मतोबा लेक व्यू जो है यहाँ से देखने को मिलता है सामने। और यहाँ पे खड़े होके आप पूरा महर रिट्रीट का व्यू भी देख सकते हो, कितना एरिया कवर किया हुआ है इस जगह ने। उसके बाद हमने ली बोट राइड। तो जितनी भी हमने यहाँ पे एक्टिविटीज जो भी हमने एक्सप्लोर करा ये सब टिकट में इंक्लूडेड था गाइस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे। जो कि है रेन डांस। सही पकड़े हैं। सनी सनी डे और रेन डांस, वाव बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। और मज़े की बात तो देखिए
जब मैं गई तब वहाँ पे कोई भी नहीं था और मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। हाँ, बाद में दो तीन ने ज्वाइन करा और आप ये हुक स्टेप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कौन से गाने पे मेरा डांस चल रहा है। और बाद में लोग आने शुरू हो गए बट इनके साथ भी मैंने बहुत एंजॉय किया। बच्चों के लिए काफ़ी फन एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं जिनके कुछ चार्जेस हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के चार्जेस हैं, अदरवाइज टिकट में ही इंक्लूडेड है मोस्ट ऑफ। और अभी रेन डांस के बाद हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल और ये देखिए हमारे स्विमर हमारे स्विमर नेशनल अवार्ड विनर और ये स्विमर तो नहीं है बस ये एक्टिंग स्विमर है। और अब देखो चेंज करके मैं बाहर आ चुकी हूँ। बहुत टायर्ड फील हो रहा था इस टाइम पे फ्रेंड्स। अभी रेन डांस करके और स्विमिंग पूल में नहा के बहुत एंजॉय किया और अभी हम जा रहे हैं लंच करने। फ्रेंड्स लंच में भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ इन्होंने बनाई थी। हमारी प्लेट्स देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो हमने हर एक आइटम जो है ली है, कुछ नहीं छोड़ा है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, सब खाएंगे। और लस्सी तो इतनी अमेजिंग थी मैं क्या बताऊँ। लंच कर लेने के बाद अब हम जा रहे हैं ट्रैक्टर राइड पे। जो ऑब्जर्वेशन टावर पे हमने मोतोबा लेक व्यू देखा था ना, तो वहाँ पे ये ट्रैक्टर राइड जाती है। ट्रैक्टर राइड करते टाइम तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा था, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। ज़्यादा नहीं गा सकती, कॉपीराइट आ जाएगा। सच में धरती सुनहरी और अंबर नीला, बहुत ही सही गाना बनाया है हमारे इंडिया पे। और ये हमारा पहली बार है कि हम बैलगाड़ी पे जा रहे हैं। पहले के जमाने में तो लोग बैलगाड़ी पे ही जाते थे। कितनी मेहनत करते हैं ये बैल। तो दोस्तों
बहुत 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 ज़्यादा हमने एन्जॉय किया। तो दोस्तों 5 बज चुके हैं और हमने सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं, बहुत ही एन्जॉय आया। आप भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ आ सकते हो और खूब एन्जॉय कर सकते हो। बहुत ही असम प्लेस है फॉर वन डे ट्रिप, इट्स ट्रेमेंडस प्लेस।